रीजन में स्पेशली और इवन कश्मीर में भी हमारा अलग अलग कार्यक्रम है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बीजेपी विजय संकल्प महारैली जम्मू में एड्रेस किया है और उस मीटिंग में कैटेगरिकली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर जनता को आह्वान किया है, आशीर्वाद मांगा है। जो हम 10 साल में काम किया है उसको देख के आशीर्वाद देने के लिए मांगे हैं। खाली हम एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको देख के वोट मत देना। जो हम 10 साल में जो बदलाव लाए हैं, एक नया कश्मीर आविष्कार किया है, नया जम्मू जनता के सामने लाए हैं और ये जम्मू कश्मीर के कारण देश में भी एक अच्छे वातावरण है। देश में अलग अलग जगह आतंकवाद होता था, अलगाव का एक्टिविटी होता था पाकिस्तान के कारण, पाकिस्तान का ऐसे गतिविधि होता था। देश में कोई ऐसा शहर नहीं बसा, ऐसा कोई प्रमुख सिटी नहीं बचा उधर आतंकवाद का गतिविधि पाकिस्तान ने नहीं किया है। हमारा फ्लाइट्स को हाईजैक किया है, हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है, हमारा चलते हुए ट्रेन्स को ब्लास्ट किया है, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया है, स्टोन पेल्टिंग किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के एंकरेज किया है, पाकिस्तान से जाली नोट प्रिंट करके देश में देश का आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए प्रयास किया है, सक्षम भी हुआ कुछ जगह और अलग अलग जगह एक कांस्टेबल से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दिन देश में आतंकवाद क्या हो गए, देश को कैसा बचाना चाहिए, यही हर दिन एक दो घंटा सोचना पड़ता था। और जम्मू कश्मीर में विकास का बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर था ये आतंकवाद। जम्मू कश्मीर में जो विकास नहीं हुआ है अलग अलग प्रांतों से कंपेयर करने के बाद, लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो अचीवमेंट नहीं हुआ है इसका कारण आतंकवाद था। और देश का भी जितना विकास होना था लगभग 76 ईयर्स हो गया, 77 ईयर्स चल रहे आजाद होने के बाद, जो अलग अलग हमारा देश के सामने अगर दुनिया में देखे तो बहुत स्टेट्स हमारा देश के पहले ही और बाद में भी जो आजाद हुआ है वो डेवलप्ड कंट्री के नाते और विकसित देश बनकर आज दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। हमें अभी विकसित भारत हम नहीं बने, डेवलप्ड कंट्री हम नहीं बनाए, कारण उसमें एक इश्यू भी है आतंकवाद। आतंकवाद से देश को बचाने के लिए हम लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च किया। एक ऑर्डिनरी कांस्टेबल से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दिन चर्चा करते हैं, हर ऑफिसर वही चर्चा करते हैं, हर पत्रकार वही चर्चा होता है, देश में किधर आतंकवाद हुआ है, किधर हमला हुआ है। आज सौभाग्य से मैं साहस करता हूं बोलने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी निभाने के बाद आज आतंकवाद 98% देश में कम किया है। वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स हो, नक्सलिज्म हो, हम वायलेंस को पूरा कम करने के लिए प्रयास किया है, हम सक्षम भी हुआ है। हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर आज हम सक्सेस हुआ है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, धैर्य से कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर हम आने वाले दिन में भी आतंकवाद के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे।
जितने भी हो जो भी हो जितने तक जाने के लिए हम तैयार है, किससे लड़ने डरने वाले नहीं है, ना पाकिस्तान से डरेगा, ना आतंकवाद से डरेगा, ना कोई पार्टी से डरेगा, किससे डरने वाला नहीं। ये देश भाईचारा का देश है, ये देश अमन शांति रहने वाला देश है, ये देश पीस है। इस देश में गांधी का धरती जन्म लिया की धरती है। इस आतंकवाद के खिलाफ आर्टिकल 370 के खिलाफ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बलिदान का धरती है ये जम्मू कश्मीर। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, जम्मू कश्मीर के सभी जनताओं से, आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में गांव से लेकर शहर तक, स्कूल से लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक, बस्ती में रहने वाला प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर एम्स हॉस्पिटल तक, गांव में रहने वाले एक रोड से लेकर नेशनल हाईवे तक, हर तरह एक बदलाव स्थिति आज जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखते हैं। स्कूल जलाता था पहले, अब अच्छे स्कूल चल रहे, टीचर कोई नहीं आता था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं रहते थे, अरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे। 30 साल 35 ईयर्स के बाद ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत को पैसा मिल रहे, ग्राम पंचायतों में आज केंद्र सरकार से सीधा पैसा देने के कारण ग्राम पंचायतों में भी इंटरनल रोड्स हो, सैनिटेशन हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, जम्मू कश्मीर में 70 साल के बाद दिखते हैं। जितने साल जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करते थे, कोई ऑडिट नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। आर्टिकल 370 के कारण कहां ऑडिट नहीं होता था इतने साल। आज आर्टिकल 370 धारा 370 हटाने के बाद एक एक पैसा का नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद कोई भी इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, रोड्स डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ का विषय हो, एजुकेशन विषय पर भी हो, हर डिपार्टमेंट का जो भी केंद्र सरकार हो, जम्मू कश्मीर सरकार हो, जो पैसे खर्च करते हैं इसका ऑडिट हो रही है पहली बार। पहले लूटते थे लोग, परिवारवाद का लूट मार होता था, इधर पैसे जम्मू कश्मीर का खून पसीना का ये लोग लूट कर विदेशों में रखते थे, ये लोग इनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, आम मुस्लिम समाज का बच्चों को हाथ में पत्थर देते थे, बंदूक देते थे, हड़ताल करने का आह्वान करते थे, मगर उनके बच्चे लंदन में पढ़ते थे। ये परिवार राज का गलत नीति के कारण आज जम्मू कश्मीर और अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे कमिटमेंट के साथ 10 साल से इस समस्याओं को दूर करना, जम्मू कश्मीर को विकास करना। अब देखिए जम्मू कश्मीर में कोई भी रोड देखिए, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, हमारा सामने इस होटल के सामने भी रोड देखिए भाई, गुमराह इतना फ्लाईओवर बन रहे, इतना टनल वर्क बन रहे जम्मू कश्मीर में, इतना नेशनल हाईवे का एक्टिविटी बढ़ रहे, हजारों हजारों करोड़ कर। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई, 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है, 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर, उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर सस्पेंशन वो बड़े टायर, चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ, मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट, इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी, यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार, वो पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं
और लेटेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।